और भाई मेरे बुक्कर दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? भाई आज आपका ये फूडी अमित कनपुरिया भाई आपको लेकर आया है, गोपाल नगर के एरिया में लेके आए हैं हम लोग। ठीक है भाई, इस समय हम लोग गोपाल नगर में खड़े हैं। ये जो आरा मशीन वाली रोड जाती है और यहाँ पे स्कूल है अक्षर स्कूल। ठीक है भैया, अक्षर स्कूल के जस्ट बगल में एक बढ़िया सा हमको पॉइंट नजर आया, देसी स्वैग। भाई साहब देसी स्वैग नजर आया है, हम देसी स्वैग में आ गए हैं। ठीक है, काफी खूबसूरत नजर आया है। भाई आपको अंदर से दिखाते हैं, अंदर से आ रहे हैं। पूरी दीवार ही भैया ने बना दी है। ठीक है, सिटिंग एरिया तो एक ये है ही है। इसके साथ साथ अगर आप फैमिली के साथ आए हो तो फैमिली के साथ बैठने का सिटिंग एरिया ये है बढ़िया सा। ठीक है भाई, काफी बढ़िया सा, एकदम खुले में भी बैठ सकते हो, अंदर भी बैठ सकते हो। और भाई साहब हम आपको इनका दिखाते हैं मेन्यू। ये पूरा मेन्यू है जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि यहाँ पे चाउमीन भी मिल रही है, राइस भी मिल रही है, ड्राई और ग्रेवी का आइटम भी है। ठीक है भाई साहब, मैगी है, बर्गर है, पाव भाजी, रोल, हर एक वैरायटी जो कुछ होनी चाहिए एक ऐसी जगह पे जहाँ पे आप सुबह का नाश्ता भी कर सकते हो, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, और शाम का खाना भी खा सकते हो। लगभग सारी चीज़ें, शाम के स्नैक्स की कई सारी वैरायटीज, पिज़्ज़ा और सैंडविचेस की है, कॉम्बो भी कई सारे चल रहे हैं। ठीक है, इन सब के साथ साथ आपको बताते हैं जो मेन है भैया यहाँ के, मेन अवसर क्या नाम है आपका? आशीष भैया। मेन जो देसी स्वैग बना रहे हैं ना, इसके बारे में कहाँ से ख्याल आया आपको कि ये देसी स्वैग क्यों बना रही है? ये हमारा पर्सनल, हम 4-5 लोग हैं यहाँ पे। हाँ हाँ, हम सब लोगों के आइडिया से बनाया गया है ये। आइडिया से बनाया, पहले लोकेशन बताइए। लोकेशन ये हमारा आरा मशीन रोड, हाँ, नियर अक्षर स्कूल, गोपाल नगर, कानपुर। गोपाल नगर में आपका शॉप है, आपने अभी जल्दी ओपन किया? हाँ, अभी 8 मई को इसकी ओपनिंग हुई है। 8 मई को ओपनिंग हुई है, अब चल रहा है जुलाई, तो अब टाइम हो गया है 2 महीने का। 2 महीने हो गया। ठीक है भाई, तो यहाँ का टाइमिंग क्या रखा है? टाइमिंग हमारा मॉर्निंग में 12 बजे का है, आपको 8 बजे से। अच्छा, 8 बजे से खुल जाता है? 2 बजे तक आप अच्छा ये वाले आइटम। ब्रेकफास्ट में जैसे छोला भटूरा मिल जाएगा, आलू कुलचा, पनीर कुलचा, यानी कि सुबह भी आना पड़ेगा यहाँ पे। एक वीडियो भाई सुबह की भी यहाँ पे बनेगी जब हम यहाँ के ब्रेकफास्ट ट्राई करेंगे। आज हम शाम के टाइम पे आए, तो आज अब यहाँ पे स्नैक्स के सारे आइटम है, मतलब डोसा है, पास्ता है, इडली है, चाप है, कई सारी वैरायटीज है। तो यार काफी लंबा मेन्यू है, अभी कॉम्बो भी आपने रख रखा है? कॉम्बो भी है हमारे यहाँ पे। बहुत बढ़िया भाई, और ये आपके नंबर है क्या? अच्छा, माना कि जैसे हम इधर ही से आ रहे हैं तो हमने आपसे बोल दिया कि भाई पैक करवा कर दो, पैक करवा कर दो, नंबर फोन कर दें। तो भैया भैया का नंबर देख लीजिएगा, हम आपको वीडियो में दे देंगे, भैया को चाहो तो फोन कर लो। और जल्दी हमको लग रहा है जोमेटो स्विगी पे भी होने वाला है भाई साहब, जल्दी जोमेटो स्विगी पे भी ये होने वाले हैं भैया। जैसे ही हो जाएंगे इनके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया भी जाएगा कि भैया जोमेटो स्विगी पे हो चुके हैं। अभी तो भैया गुड वाइब्स जो आ रही है यहाँ की उनको आप देखिए, काफ़ी खूबसूरत सी है। ठीक है भैया, और उसके साथ साथ ये देखिए क्या बात है, उसके साथ साथ आपको ना ये बताइए कि आज हम टेस्टिंग में क्या लाएंगे, क्या करवाया जाए, क्या बनवाया जाए, क्या आपने ऑर्डर बोलेंगे जाएगा? नहीं, मेन आपका स्पेशल कुछ कस्टमर डिमांड पर कुछ स्पेशल चल रहा है? चाप वगैरह भी रखा हुआ है, मतलब कई चीज़ें हैं, कई सारी चीज़ें। टोटल मेकिंग आप दिखाई जाए या कभी और? कई सारे आइटम यहाँ पे लगवा लिए हैं। ठीक है, क्या लगवाया? सबसे पहले हमने इनकी पाव भाजी लगवाई है, ये पाव भाजी है। ठीक है, यहाँ पे दो तरह की पाव भाजी मिलती है, एक नॉर्मल पाव भाजी है, एक पनीर पाव भाजी हमने लगवाई है। नॉर्मल पाव भाजी 60 रुपीज वाली। ठीक है, तब तक इसके साथ हमने लगवाया राइस, फ्राइड राइस लगवाया है, हाफ ले लिया है भाई, ज़्यादा कुछ नहीं, हाफ ले लिया है। देखो, लुक एट द क्वांटिटी ऑफ हाफ। ठीक है, ये वेज फ्राइड राइस है, इसके बाद पनीर फ्राइड राइस भी मिलता है, हाफ और फुल क्वांटिटी में होता है। उसके साथ साथ हमने पोटैटो लिया है, पोटैटो देख लो कहाँ पे है, चिली पोटैटो, ये हाफ ले लिया है, फुल भी है। ठीक है,
अब ये हमने देखा नहीं कि बोला क्या, उसको हम आपको बताते हैं। इसके साथ साथ हमने लिया है यहाँ का स्पेशल द बर्गर। अब ये है बर्गर काफ़ी बड़ा, काफ़ी बड़ा क्या कह रहे, डबल डेकर बर्गर है भैया। एक पर ये है, एक पर ये है, देख लो भैया काफ़ी बड़ा सा बर्गर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं भाई साहब अपनी पाव भाजी से शुरुआत करते हैं। ये देखो ये पाव भाजी के पाव को पहले सेका गया था, ठीक है, लेकिन अभी हमें नहीं दिखाई, टेस्टिंग दिखाते हैं पहले, ठीक है। काफ़ी अच्छे सेका गया था, सेकने के बाद जो हमारी पाव भाजी है उसमें अच्छे से मक्खन डाला गया था, ठीक है, पूरी कंप्लीट की गई। अब हम क्या कर रहे हैं, अपने पाव को ले लिया है, पाव भाजी के ऊपर थोड़ा प्याज रख लिया है, थोड़ा सा नींबू उसके ऊपर चढ़ा दिया है। ये बाइट हर एक फूडी को पसंद होती है, तो हमें भी यही बाइट पसंद है। बाइट अब एक नंबर, एक नंबर का फ्लेवर आ गया बाबू, मजा आ गया इसको खा के, ठीक है। अब ये है इनका फ्राइड राइस, इसको अपन इसमें सर्व करते हैं, ठीक है, फिर इसको खाते हैं इसके साथ। इसमें कई सारी वेजिटेबल्स पड़ी हुई हैं, देखने में तो लग रहा है मेरा वेजिटेबल तो काफ़ी पड़ी हुई है। जैसा कि कॉम्बिनेशन होता है कि मंचूरियन के साथ खा लो, चिली पनीर के साथ खा लो, लेकिन इनका फ्राइड राइस भेजो ये कंप्लीट है, यानी कि साथ इसके साथ अगर आप कुछ नहीं ले रहे तब भी चलेगा, बढ़िया फ्लेवर दे रहा है, काफ़ी सारी वेजिटेबल्स हैं और प्रॉपर मसाले पड़े हैं जिनके वजह से काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है तो खाने में, हमें तो मज़ा आ ही रहा है। इसके साथ साथ जब आप आओ तो आपको तो 100% आने वाला है। अब आ जाते हैं इनके चिली पोटैटो पे। भाई साहब ये चिली पोटैटो है, ठीक है, और यहाँ पे हमको एक डिफरेंट स्टाइल में चिली पोटैटो देखने को मिला है। जिस तरह से आप घर पे आलू की सब्जी टाइप बनाते हो, है ना, वैसे हर जगह आप चिली पोटैटो देखोगे वो फिंगर्स वाले होते हैं। यहाँ पे एक यूनिकनेस लगी है कि पोटैटो को पहले फ्राई कर लिया गया था, उसको फिर बनाया गया चिली पोटैटो को, ठीक है। इसमें गार्लिक है, अनियन है, कैप्सिकम है, बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, तो खाते हैं। भाई साहब पोटैटो एकदम क्रिस्पी है, साथ साथ जो वेजिटेबल्स है उनका काफ़ी ज़्यादा स्वाद है, वेजिटेबल तो हमने किनारे करी अभी, ठीक है, लेकिन गार्लिक का जो फ्लेवर वो काफ़ी एक नंबर का मस्त निकल कर आया है, मज़ा आ गया। अब साथ में इनका जो बड़ा सा बर्गर है, देख रहे हो भैया ये बर्गर काफ़ी बड़ा सा ही हिस्सा है, इसको भैया धरा लेते हैं पैक और चलते हैं घर पे खाते हैं, इनके इनसे यहीं विदा लेते हैं, ठीक है भाई। तो दोस्तों आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आप कानपुर के रहने वाले हैं या भाई साहब कभी गोलू कानपुर आने वाले हैं, क्या करिए, जब भी कानपुर में गोपाल नगर के एरिया में आइए ना भैया, यहाँ पे पड़ता है आरा मशीन वाली रोड पे अक्षर स्कूल के जस्ट बगल में ये बढ़िया सा कैफे रेस्टोरेंट खुल चुका है देसी स्वैग नाम से। यहाँ पे दोस्तों ज़रूर आइए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली का, यहाँ पे बैठने की अच्छी व्यवस्था है, एक ये वेटिंग एरिया है, एक हमारे जस्ट पीछे देखिए बहुत सारे लोग बैठ के खाना अपना इंजॉय कर रहे हैं, ये एक व्यवस्था है, ठीक है भाई, बढ़िया बढ़िया सेल्फी पॉइंट्स है। तो यहाँ पे दोस्तों ज़रूर आइए, यहाँ पे बैठ के इंजॉय करिए या फिर पैक करिए घर पे खाइए। और भाई वीडियो पसंद आने पर लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, कमेंट करिए और फिर मिल कमेंट करिए, धन्यवाद, और फिर मिलते हैं आपसे नए एक वीडियो में।